हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का समय है, बाजार के लिए निकल गए हैं हम दोनों। अभी रीमा के साथ कुछ कुछ सामान लेना है और सब्जियां भी लेना है। रीमा को कुछ कपड़ा भी देखना था, ये कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां है। कपड़ा दुकान के लिए आगे जाना पड़ता है, इधर तो मिलता है नहीं। इधर भी कपड़ा दुकान है वैसे तो, बट पसंद नहीं आता है उतना खास यहाँ का। वो दुकान सब थोड़ा नीचे करके है। रीमा किस टाइप का कपड़ा ले रही है वो देखते हैं अभी। उसको पसंद आएगा तो वो लेगी, नहीं तो वो नहीं लेगी, ये पहले ही बोल चुकी। और यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर मिट्टी का बर्तन है, देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी का बर्तन भी बिकता है। और फाइनली वो दुकान आ गए हैं, देखते हैं कैसा टाइप का ये कपड़ा लेती है। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह का कपड़ा है, वन पीस हो, टी शर्ट हो, साड़ी हो या फिर सूट कपड़ा। टी शर्ट लेना है इसको, बट इसको मिला नहीं, ये ऑर्डर देके चली गई। पहुँच जाएगा बोले दुकानदार कुछ दिन में। ये अंगूर कैसे? 30 रुपया पाओ। रीमा को अंगूर लेना था। अंगूर के अलावा और भी फल है, जैसे कि संतरा हुआ, अनार हुआ, काला अंगूर हुआ, और अंगूर सब बहुत सुंदर दिख रहा है। एक पाव ले ली है रीमा अभी और उसको ही पैक कर रहे हैं। तो जल्दी से निकलेंगे अब, धीरे धीरे शाम भी हो रहा है। अभी बिंदी लेने आ गए हैं, और भी कुछ कुछ लेना है रीमा को। ये भी अपना बिंदी देख रही है, तो इसको छोटा छोटा चाहिए, बट इसको छोटा छोटा मिल ही नहीं रहा है, तो फाइनली खोज के निकाल ली। अभी थोड़ा भूख लग रहा है तो कुछ खा लेंगे सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं तो पहले कभी नहीं आई हूँ खाने के लिए, तो देखते हैं क्या खिलाती है अभी रीमा। चौमिन ऑर्डर कर रही है, चौमिन ले लेते हैं, हाफ प्लेट। फाइनली रेडी हो गया है, अभी गर्मा गर्म फटाफट से खाते हैं। खा लिए चौमिन तो, अब बाजार की ओर आ गए हैं। कुछ कुछ सब्जियां लेना है, देखते हैं क्या क्या सब्जियां हैं बाजार में। दूर से ही बस टमाटर ही लग रहा है, एकदम रेड रेड। अगर मुझे सब्जी अच्छा लगेगा तो मैं ले जाऊंगी, वरना टमाटर लेके चल जाऊंगी, मुझे टमाटर अच्छा लगता है। अभी शाम का समय है, फिर भी इतना खाली खाली लग रहा है। ऐसे तो कभी कभार आने में बहुत ही भीड़ लगता है आने से। यहाँ पे मछली बिक रहा है शायद, ऐसे तो दूर से दिख रहा है। अब सामने जाके देखते हैं, मछली ही है मछली, और जो कि घोंघी बोलते हैं हम लोग के इधर। आप लोग के इधर क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइए। इधर साइड एक ही इंसान ढेर सारा सब्जी करके लाया है, मतलब लौकी हुआ, आलू हुआ और गाजर हुआ, ऐसा कुछ कुछ अलग अलग चीज देख सकते हैं। इधर बैर है, सरस्वती पूजा पार हो गया तो अभी सब पेड़ों में बैर लगा हुआ होगा, इसीलिए बैर बेचने के लिए लाए हैं। और इधर मकई भी है, फिर प्याज साग या फिर कुछ अलग अलग साग, सब साग सब्जी, हरा सब्जी, सब बहुत कुछ है यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं, सब तरफ घूम लेते हैं, उसके बाद ही सब्जी लेके चलेंगे। बाजार के बीचों बीच यहाँ पे एक प्यारा सा मंदिर है, देख सकते हैं, मस्त वाला, बहुत ही सुंदर दिख रहा है देखने में, पेंट किया हुआ। गाजर भी आ गया है और कटहल भी, अभी छोटा छोटा कटहल हुआ है इसीलिए कटहल भी बेचने के लिए लाए हुए हैं। और आगे में भी कटहल दिख रहा है इस जगह, एक महिला भी लाई हुई है। और फिर और भी बहुत ही अलग अलग तरह के सब्जी है जो कि न्यू उग रहा है, वो सब भी लाया जा रहा है यहाँ पे, सीजन आ रहा है बोल के। देखिए कटहल एक टोकरी लाया हुआ है। एक किनारे से मैं आपका बाजार का चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है देखिए। अभी जो कि खाली खाली लग रहा है इसलिए उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, जब भरा भरा रहता है तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, और देखने में अच्छा लगता है, चलने में उस टाइम काफी भीड़ लग जाता है। अभी तो घूम लिए, अब सब्जी लेके वापस रूम की ओर चलेंगे। बहुत ही शाम हो रहा है धीरे धीरे, हो सकता है रात भी हो जाए। अभी टमाटर यहाँ पे बहुत लोग लेने आ रहे हैं, काफी टमाटर है यहाँ पे, तो कैसे रेट लगा रहे भैया वैसे ही ले लेंगे। इनके पास दो टाइप के टमाटर है और दोनों का अलग अलग रेट है। इधर वाला बड़ा बड़ा टमाटर है और उधर वाला थोड़ा छोटा छोटा टमाटर है। खाने से मतलब है, ये वाला टमाटर मुझे अच्छा लगा तो मैं इसी से चुन ले रही हूँ, जो जो अच्छा है, अच्छा अच्छा टमाटर। बहुत ही सुंदर एकदम रेड रेड सा है टमाटर सब, और साइज में भी मस्त है एकदम, तो यही टमाटर सब चुन के ले लेते हैं। बस टमाटर ही लेंगे, इसके अलावा और कुछ सब्जी लेंगे नहीं, कुछ सब्जी वैसे पसंद नहीं आया इतना सारा सब्जी में, तो अभी बस टमाटर लेके ही वापस रूम की ओर चलते हैं। धीरे धीरे और भी शाम होने को आया है। अभी रीमा को कुछ लेना नहीं है, बस मुझे ही लेना था सब्जी में, तो मैं बस टमाटर ले ली। इस जगह पे काफी भीड़ रहता है, बट इसको अभी क्रॉस करना पड़ेगा, इसके उस पार ही हम लोग का रूम जाने वाला रास्ता मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी हरा चना का झाड़ मिल रहा है, हरा चना मतलब अभी सीजन आ गया है ना, इसीलिए ये सभी मिल रहा है, अभी हरा ही हरा लग रहा है सब तरफ,
तो फाइनली अभी रोड क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, वापस से रूम आ गए हैं। इधर रीमा जो कि बाबू को ली हुई है अभी जस्ट यहाँ पहुँचे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।